आज यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुंबई मलाड मालवनी पुलिस स्टेशन का घेराव किया। यहाँ पर डीसीपी जोन नंबर 11 के आनंद गोहिते सर हमसे मिले और सीनियर सर मिले। उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है, पुलिस का पूरा आश्वासन मिला है और ये आश्वासन नहीं है, हकीकत है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमें बताया, आनंद गोहिते सर ने, डीसीपी सर ने कहा है कि 2 दिन के अंदर हम आज इसका स्क्रिप्ट देखकर पूरी तफसील के साथ एफआईआर लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे ऐसे हेड स्पीच वालों को बढ़ावा दिया जाए। और अभी वो तफ्तीश करना शुरू किए हैं, 2 दिन के अंदर एफआईआर नहीं हुआ तो फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिर अपने हक के साथ, अपने संवैधानिक हक के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मालवनी पुलिस स्टेशन का फिर से घेराव करेंगे। हमने सर से कह दिया है कि 2 दिन के अंदर हमारे हाथ में नीतीश राणे के खिलाफ एफआईआर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आए जाए कोई भी आए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कोई भी एमएलए हेड स्पीच देके जाएगा, मुस्लिम समुदाय को कुछ भी बोलेगा तो ऐसा नहीं चलेगा। संविधान ने सभी को समानता का अधिकार दिया है, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा तभी तो ये देश चलेगा। तो संविधान को लेकर हमने अपने हक की बात कही है, मालवनी पुलिस ने और यहाँ के डीसीपी ने पूरा आश्वासन दिया है, 2 दिन के अंदर अगर हमको एफआईआर नीतीश राणा के खिलाफ नहीं मिलता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिर मालवनी पुलिस स्टेशन का घेराव करेगी। और बहुत जल्दी हमें एफआईआर कॉपी मिलेगी, नहीं मिलती तो हम यहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से घेराव करेंगे। और ये सारे मजलिस की टीम है, हम हक पे बोलने वाले हैं। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन उमेरी साहब ने कहा है कि संविधान को लेके चलो, कानून के दायरे में रहो, तो हमने कानून से सहायता मांगी है। अभी 2 दिन में हमें एफआईआर कॉपी मिलती है, हम यही उम्मीद करते हैं मालवनी पुलिस से, मुंबई पुलिस से, क्योंकि मुंबई पुलिस हर काम में सक्षम है, हर काम में आगे है। 2 दिन में इंशाल्लाह हमको बहुत जल्दी एफआईआर कॉपी मिल जाएगी और नीतीश राणे को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन।